हे दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो में ब्लॉग नहीं होगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होगा। तो मैं गाड़ी में पहले गेट डोर बंद कर देता हूँ ना। हाँ तो दोस्तों, मैं गाड़ी में इसलिए हूँ क्योंकि गैस करो मेरे हाथ में क्या है। तो दोस्तों, ये है ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैं जाने वाला हूँ, तो सामान पैक कर रहा था, पूरा बैग पैक कर रहा था। तो मेरी मम्मी ने बताया, ये बहुत पहले अप्लाई कर दिया था मैंने, तो आज मैं जा रहा था तो मम्मी को अचानक से याद आया, तो बताया मेरे को कि रखा हुआ ये करके आ गया है। तो ये आया हुआ था, आपको डेट दिखा देता हूँ, 4/1 को आया है, मतलब 4 जनवरी को आया है। दोस्तों, इतने दिन से घर पे पड़ा हुआ था, मैं पूछा भी नहीं, आज अचानक से याद आया। तो मम्मी भी सामान पैक कर रहा था तो बताया। तो क्यों वीडियो बना रहा हूँ बल्कि आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हम भी चलाएंगे गाड़ी, अब है ना, गाड़ी चलाएंगे, स्कॉर्पियो चलाएंगे दोस्तों। तो मैं ये बेसिकली इसका अनबॉक्सिंग करेंगे हम लोग। मैं अभी तक खोला नहीं हूँ, तो अभी मिला तो कैसे खोलूँगा, है ना। तो एक्चुअली ना, मेरे को ये इसलिए आप लोग को शेयर करना है क्योंकि अगर बहुत सारे मेरे भाई लोग होंगे, दोस्त लोग होंगे जिनका अभी तक नहीं बना होगा, तो 18 अबव हो जाओगे ना, तो जब आप अप्लाई करोगे तो कैसा प्रोसीजर होता है, जितना मेरे को आइडिया है, मेरे को मैं जैसे किया वो बताना चाहता हूँ बस। तो देखते रहो, ठीक है। सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, चलो। रुको दोस्तों, पहले बता तो दूं यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा भाई थोड़ा है नॉलेजेबल, थोड़ा बता देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है रोशन कश्यप, है ना, रोशन कश्यप लिखा है, फिर फ़ोन नंबर लिखा है, फिर पापा का नाम लिखा है, ठीक है, फिर एड्रेस लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा है परिवहन विभाग, ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन, है ना। तो यहाँ कुछ कुछ स्टिकर्स, क्या बोलते हैं, साइंस दिए हुए हैं रोड में जो रहते हैं, नशे की हालत में वाहन ना चलाएं भाई, हम वो सब के लिए देख लो। फिर हेलमेट पहन के ही चलाएं, बिना हेलमेट के नहीं चलाना, ठीक है। फिर सीट बेल्ट पहने, फिर गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, ऐसे ऐसे कुछ दिया हुआ है, बहुत सारा साइंस, ये सब का फॉलो करना है, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको फिर जाना है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, CCP, ये सब ऐसा दिया हुआ है, स्कैनर दिया हुआ है, आप स्कैन कर सकते हो, जो ये देख सकते हो कुछ इस तरह से ये दिखता है जब पैक होके आता है पोस्ट ऑफिस से। और यहाँ लिखा गया है कि अगर कृपया फटे या अगर ये आपके पास पहुँचता है ना गाइस, अगर फटा वटा रहेगा ना तो खोलना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो चलो, अब खुला तो नहीं है, चलो अब करते हैं अनबॉक्सिंग। हमने कर लिया है अनबॉक्सिंग, ये इसमें देख लेते कुछ है कि नहीं, खा लिया दोस्तों, तो इसको रख देते अपन साइड, है ना। अब इसको खोलते हैं, वाओ। तो ये कुछ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशंस, जो कि हिंदी में लिखा हुआ है फुल। भाई कैसा फोटो आया, देखना आप लोग को, नहीं दिखाऊंगा तब ना, मैं सेव कर लिया था ना, एकदम चोमू लग रहा हूँ, सही में चोमू लग रहा हूँ भाई साहब। तो सबसे पहले इधर का दिखा देता हूँ ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो तुम सरकार तुम्हारा द्वार, अब पहुँचे जरूरी कागजात आपके द्वार, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। फिर मध्य डॉक्यूमेंटेशन है कुछ ना, आशा करता हूँ। फिर कार्यालय, ये सब है, तो ये सब आपको मिलेगा, तब पढ़ लेना, कुछ है हिंदी में लिखा हुआ है, बहुत लंबा हो जाएगा। तो सीधा बता देता हूँ, अब चलो आपको दिखाता हूँ कार्ड। तो दोस्तों निकालते हो। सो गाइस, ये रहा अपनी ड्राइविंग लाइसेंस, देख सकते हैं आप, यहाँ पे फोटो लगता है सामने में, आपको फोटो दिखाऊंगा तो बहुत हंसोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है CG 17/2022/00276/3, ऐसा, ठीक है। इश्यू डेट 29/12/2022, वैलिडिटी एंटिटी 16/6/2042 तक वैलिड है ये जो है 2042 तक वैलिड है गाइस। तो आपको अब दिखाता हूँ फोटो, आर यू गाइस रेडी, हंसना बंद दोस्तों, ठीक है।
तो ये रहा फोटो आपके भाई का, गाइस कैसा दिख रहा बताओ एकदम। शकल मिल रही है कि नहीं? शकल मिल रही है। ए गाइस ये रहा उस टाइम का है जब मैं फोटो क्लिक करवाया था बहुत पहले, जब बनने से 6 महीना पहले है ना, तो तब क्या है कि सेव कर लिया था पूरा, तो एकदम चोमू लग रहा हूँ। चलिए आपने देख लिया, कुछ इस तरह से रहता है ड्राइविंग लाइसेंस का कार्ड। इसको आप अपने वॉलेट में कैरी करके अब कहीं भी भाई बिंदास चलाएंगे गाड़ी बिना डर के पुलिस वाले लोग का, है ना। अब तो स्कॉर्पियो भी सीखना पड़ेगा। तो ये मैं बनाया दो दो गाड़ियों का बनाया गाइस, ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों के लिए वैलिड है। तो अब हम स्कॉर्पियो भी चला सकते हैं ना। तो दोस्तों अब ये सब को रखते हैं साइड में, आप लोग को बताता हूँ इसका प्रोसीजर, है ना। तो सबसे पहले मैं गया हुआ था RTO ऑफिस। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके ना मैं 1 हफ्ते आना जाना किया था पूरा, 1 वीक, 1 वीक से भी ज़्यादा भाई, पेट्रोल का खर्चा अलग से चल जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ज़्यादा भागा दौड़ी करो मत, सीधा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं गया हुआ था RTO, ठीक है। सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिल करना रहता है, उसका कॉस्ट कुछ 300 समथिंग कुछ लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। तो वो फिल करने के बाद आपको फिर वो करने के लिए टेस्ट के लिए ना टाइम दिया जाता है। तो मतलब क्या स्लॉट बुक करना रहता है फॉर्म भरने के बाद, वो अपने आप बुक हो जाता है जिस डेट में भी आप देना चाहते हो। तो लीगल तरीका बता रहा हूँ ना, लीगल तरीका। तो उसके बाद क्या होता है, आपको जाना रहता है वहाँ पे, जिस दिन का स्लॉट बुक करे रहोगे ना उस दिन जाना रहता है, और आपको टेस्ट देना रहता है, ठीक है। टेस्ट में ना वहाँ जाओगे ना, जैसे ही कुछ कुछ प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर बोलने से वो फॉर्म दोगे, आपका नाम बुलाएंगे जब आपका टाइम आएगा। उसके बाद ना कंप्यूटर में ना आपको शो करेंगे। उससे पहले ना प्रिपेयर करके जाना। मैं क्या प्रिपेयर किया था, यूट्यूब में ना बहुत सारे जैसे रोड में अलग अलग बोर्ड्स लगे रहते हैं ना, साइन ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ, तो जिस टाइप के मतलब पूरे रोड में जैसे जैसे साइंस लगा हुआ है, जैसे 2 डिवीज़न है तो ऐसे ऐसे एरो दिया तो उस साइड रोड है, वो सब ना मैं क्या किया था यूट्यूब से एक दिन पहले देख लिया था, अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था समझो। फिर वही सब मैं कोई सब पूछ लेते हैं ना, जैसे रोड में रोड से रिलेटेड ही जब ऐसा होता है तो ऐसे क्या करना रहता है, तो ना वो डिस्प्ले करेंगे आपको मॉनिटर में, और आपको ना बताना रहता है कि ऑप्शन, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से टिक करना रहता है कि कौन सा, सॉरी हाँ पसीना बहुत गर्मी है ना, और गाड़ी क्लोज इसलिए करके रखा हूँ क्योंकि साउंड बहुत ज़रा आएगा करके, तो विंडो मतलब डोर्स क्लोज हैं तो साउंड इतना नहीं आ रहा है बाहर का, तो वो सब छोड़ो। हाँ मैं क्या बता रहा था, तो वो करोगे ऑप्शन डिस्प्ले होता है, अगर ना जैसे कि 15 क्वेश्चन आया, 15 में से अगर 10 आपके सही हुए आंसर तो टिक द। उसमें मेरा क्या हुआ था गाइस, एक गलत हो गया था, फिर भी एक और चांस दे दिया मेरे को बस एक ही ऑप्शन में, तो मेरा हो गया निकल गया। अगर वो टेस्ट पास कर लोगे ना आप, तो वो टेस्ट पास करने के बाद ना आपका वो हो जाएगा, फ़ोटो लिया जाएगा और सिग्नेचर, तो आपको ना उसी टाइम में वो मिल जाएगा कि पेपर टाइप का, वो मेरे पास नहीं है, वो सबमिट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं LL लर्निंग लाइसेंस, ठीक है। वो रहता है 6 महीने तक वैलिड रहता है वो, उससे वो उसके थ्रू आप मतलब वो भी ऐसे ही रहता है लाइसेंस जैसा, 6 महीने तक उसको चलवा सकते हो आप। उसके बाद फिर ना 6 महीने जब हो जाएगा, मतलब 1 महीने के बाद ही आने बोलते हैं, 1 महीने बाद आपको जाना रहता है। फिर उसके बाद ओरिजिनल बोले तो परमानेंट लाइसेंस के लिए आप लोग को अप्लाई करना रहता है, उसमें फिर वो वाला जो आपका लर्निंग लाइसेंस है उसको देना पड़ता है, और टेस्ट के लिए अराइव होना पड़ता है, उसमें आपका लिया जाता है ड्राइविंग टेस्ट। तो ड्राइविंग टेस्ट लीगल तरीके से होता है, जो रहता है ना आप लोग देखे वैसे मतलब बेसिकली उन लोग को चला के दिखाना है कि आपको आता है कि नहीं, कुछ सिचुएशन ऐसा हुआ तो, और कुछ कुछ क्वेश्चंस वहाँ के जो हेड रहते हैं RTO ऑफिस के, वो बैठा के पूछते हैं, अगर आप वो क्लियर कर लिए, मेरा जैसा हुआ वही वैसे ही बता रहा हूँ ना, फिर वो क्लियर कर लेने के बाद और एक चीज़ उसके लिए भी, उसके बाद और फीस लगता है 1050 का, जब लर्निंग लाइसेंस आप सबमिट करने जाने रहते हो, वो लीगल है, 1050 लगता है उसके लिए, मतलब लर्निंग परमानेंट लाइसेंस के लिए, जब आप स्लॉट बुक करवाओगे टेस्ट के लिए तो 1050 वो लगेगा। उसके बाद फिर आपको जाना है, बाइक लेके जाओ, कार का अगर 4 व्हीलर, अगर 2 व्हीलर्स का बना रहे हो तो बाइक लेके जाओ, अगर 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स साथ में बना रहे हो तो कार भी आपको लेके जाना पड़ेगा, है ना, इग्नोर द साउंड ऑफ काउ सॉरी। फिर वो लेके जाओगे, आपको ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, वहाँ देखेंगे आप चला सकते हो कि नहीं अच्छे से। वो टेस्ट करने के बाद आपको फिर, अगर आप उसमें पास हो जाते हो, वहाँ के जो हेड है वो अगर बोल देते हैं इंटरव्यू में बेसिकली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे सिचुएशन, कुछ सिचुएशन में ऐसे डाल दे तो आप क्या करोगे, व्यूअर्स लोगे वैसा वैसा, तो फिर वो अगर पास कर लेते हो, क्लियर कर लेते हो,
तो आपका बन जाएगा विद इन 7 days, वो आ जाएगा आपका पोस्ट से, बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट से, ठीक है। 7 days और मैक्सिमम 2 weeks ऐसा लग जाता है, ठीक है। 2 weeks हो जाने के बाद आपका प्रोसीजर हो जाएगा पूरा, फिर आपके घर पे खुद ऐसे कुछ इस तरह से पासवर्ड लाइसेंस आ जाएगा, सॉरी पासवर्ड बोल रहा था, इस तरीके से आपका लाइसेंस घर पे पधार जाएगा, फिर आप मेरी तरह फुल दौड़ा सकते हो गाड़ियाँ दोस्तों, गाड़ियाँ। आई होप आप लोग को ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा मेरे भाई लोग। मैं इसलिए ऐसे किया क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा भागा दौड़ी ना करो, पहले ही तो बुक करवा दो, फिर जाना। ऑनलाइन करवा सकते हो आप स्लॉट बुक लर्निंग लाइसेंस के लिए। मैं इसलिए भागा दौड़ी कर रहा था क्योंकि मेरे को पता नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, और मैं वैसे ही जाने वाला अकेले ही किया हूँ जो भी किया। मैं सोच रहा था घर वाले का हेल्प नहीं लिया क्योंकि ना मेरे को देखना था अकेले कैसे कर पाता हूँ कि नहीं करके। तो वही है, ज़्यादा दिन आना जाना मत करना, स्लॉट बुक ऑनलाइन करवा लेना, फिर जाना, फिर जिस दिन टेस्ट रहेगा उसी दिन चल जाना प्रिपेयर करके, है ना। और मेक श्योर कि जिस दिन है उस दिन ओपन रहता है ना, वर्किंग डेज में ही जाना, बाकी दिन कुछ कुछ दिन नहीं होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप लोग भी बनाओ, 18 के हो जाओ, बिना लाइसेंस का मत चलाओ भाई, मत चलाओ, मतलब नहीं चला सकते वैसे, पुलिस वाले लोग पकड़ लेते ना तो मज़ा नहीं आता है। तो अब भाई पकड़ेंगे नहीं, सीना तान के चलाएंगे हम गाड़ी, है ना, डरेंगे नहीं। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर करना जिनका नहीं बना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाय।